नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि क्या है बकरा ईद त्यौहार की पूरी कहानी। कुर्बानी देने के लिए जानवर के या जानवर में क्या खूबी होनी चाहिए। इस्लाम धर्म में माने जाने वाले कैलेंडर आखिरी महीने की 10 तारीख को बकरा ईद का त्यौहार मनाने की रस्म है। इस साल भी इसी दिन बकरा ईद के त्यौहार को मनाया जाएगा, जिसके लिए बाज़ारों में ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई है। बकरा ईद का त्यौहार मनाए जाने के पीछे कई सारे नियम और कहानियां हैं, जिसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं। यहां तक कि लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं होती कि बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी देने की रस्म क्यों निभाई जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बकरा ईद के मौके पर बुर्के या किसी और जानवर की कुर्बानी क्यों दी जाती है। आखिर कुर्बान किए गए जानवर का पूरा गोश्त खुद अपने घर क्यों नहीं रख सकते। साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि शैतान पर पत्थर मारने की वजह क्या है और ईद एह बकरा ईद में क्या फ़र्क होता है। क्या है बकरा ईद की कहानी, चलिए सबसे पहले हम आपको बकरा ईद की कहानी बताते हैं। बकरा ईद का त्यौहार पूरी तरह से कुर्बानी पर टिका हुआ है। इस दिन बिना कुर्बानी के बकरा ईद मनाने का कोई मतलब नहीं होता। इस त्यौहार की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने सामने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। बस यही से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा शुरू होती है। हजरत इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि वह अल्लाह के प्रति इतना समर्पित थे कि उनके लिए कुछ भी कुर्बान करने और किसी भी चीज़ का बलिदान देने की क्षमता रखते थे। ऐसी कहानी है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाही और उन्होंने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वह अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी अल्लाह के सामने दे। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की यानी कि हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ मेरा संतान, मेरा खुद का बेटा है। मैं अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुर्बानी के वक्त बेटे का प्यारा हजरत इब्राहिम के ऊपर हावी हो, इस वजह से उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और अल्लाह का नाम लेते हुए उसके गले पर छुरी चला दी। लेकिन जब हजरत इब्राहिम ने अपनी आँखों के ऊपर से पट्टी हटाई, तब क्या देखते हैं? तब उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके सामने जिंदा और खुशी खुशी खड़ा है और उसकी जगह पर तुबा बकरे जैसा दिखने वाला एक जानवर मरा पड़ा है। यही दिन था जिसके बाद से अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की रस्म शुरू हो चुकी। कुर्बानी के बाद क्यों बांटा जाता है गोश्त? बकरा ईद के मौके पर जिस भी जानवर की कुर्बानी होती है, रिवाज के अनुसार उसका पूरा गोश्त अकेला परिवार नहीं खा सकता। कुर्बान किए गए जानवर के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और परिजनों में और तीसरा हिस्सा घर में रखा जाता है। जिस भी जानवर की कुर्बानी दी जाती है, उस जानवर का स्वस्थ होना बेहद ही ज़रूरी होता है। ऐसी मान्यता है
कि अगर वह जानवर बीमार है तो उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। मान्यता ये है कि जानवर के शरीर पर जितने ही ज़्यादा बाल होते हैं उसी के बराबर संख्या में नेकियां कुर्बानी देने वाले के हिस्से में लिखी जाती हैं। क्या है शैतान के ऊपर पत्थर फेंकने की परंपरा? जो लोग हज यात्रा पर जाते हैं वे इस दौरान यात्रा के आखिरी दिन कुर्बानी देने के बाद रमीज मारत पहुंचकर शैतान को पत्थर मारते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है जो हजरत इब्राहिम से जुड़ी हुई है। ऐसा कहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाही तो इस दौरान शैतान ने उन्हें बरगलाने की कोशिश की। वह नहीं चाहता था कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करे। बावजूद इसके हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की मर्जी को पूरा किया, जिसके बाद से कुर्बानी और अल्लाह की राह में आने वाले शैतान के प्रतीकों को वहां पत्थर और कंकड़ मारते हैं। क्या फ़र्क होता है ईद और बकरा ईद में? दरअसल ईद का त्यौहार रमज़ान महीने के ख़त्म होने पर आता है। रमज़ान वह महीना होता है जिसे इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसमें मुसलमान लगातार 30 दिनों तक रोज़ा रखते हैं और फिर आखिरी दिन चांद को देखकर अपना रोज़ा तोड़ते हुए ईद मनाते हैं। इस दौरान खुशी से मिठाइयाँ और सेवइयाँ बनाई जाती हैं और बाटी भी जाती हैं। लेकिन बकरा ईद का त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने की 10 तारीख को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस दौरान किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है और गोश्त बनते हैं और खाने वालों के सामने गोश्त ही परोसे जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई बकरा ईद की पूरी कहानी पसंद आई होगी। बकरा ईद क्यों मनाई जाती है? कुर्बानी देने में जो जानवर है उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी कहानी के तौर पर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानियों के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।